हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार जाट, वर्किंग एज लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़। आज के इस वीडियो में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की यूनिट नंबर 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी के हफमैन कोडिंग और शैनन फेनो कोडिंग डिस्कस करेंगे। पहले हम शैनन फेनो कोड के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। शैनन फेनो कोड से रिलेटेड आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स एक्स हैज सिक्स सिंबल्स X1, X2, X3, X4, X5 एंड X6 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंबल X1 इक्वल्स टू 0.3, X2 इक्वल्स टू 0.25, X3 equals to 0.20, X4 equals to 0.12, X5 equals to 0.08, X6 equal to 0.05. Construct a Shannon Fano code for X. Calculate the efficiency eta of the code obtained. इस क्वेश्चन में हमें एक डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स X दिया गया है जिसमें कि 6 प्रकार के सिंबल्स पॉसिबल हैं। सभी सिंबल्स की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें शैनन फेनो कोड जनरेट करना पूछा गया है और दूसरा शैनन फेनो कोड जो हमने ऑब्टेन किया है उस कोड की एफिशिएंसी ईटा पूछी गई है। तो शैनन फेनो कोड जनरेट करने की फर्स्ट स्टेप जो होगी वो सभी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की होगी। हमारे पास में 6 सिंबल्स गिवन है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, तो इन सभी 6 सिंबल्स को हमें इनकी प्रोबेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, सभी 6 सिंबल्स को हमने उनकी प्रोबेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। सबसे पहले X1 जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 0.30 है और सबसे लास्ट में X6 जिसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0.05 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का 6 वैल्यूज़ का जो सेट गिवन है इस सेट को 2 सेट्स में हमें डिवाइड करना होगा। इसे कुछ इस प्रकार से डिवाइड करना है कि उन दोनों सेट्स में जो भी प्रोबेबिलिटीज आती है उनका एडिशन दोनों सेट के लिए नियरली इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो सेट डिवाइड किया है वो किया है X1 और X2 का सेट और X3, X4, X5, X6 का सेट। जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो X1 और X2 की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.55 और X3, X4, X5, X6 की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.45। यहाँ पर दोनों सेट्स की प्रोबेबिलिटी 0.55 और 0.45 जो है वो नियरली इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि नियरेस्ट पॉसिबल मैच है दोनों एक दूसरे के लिए। यहाँ पर यदि हम X1, X2 और X3 का एक सेट और X4, X5, X6 का दूसरा सेट अगर इस प्रकार से इस सेट को 2 सेट में डिवाइड किया जाए तो इस बार इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 0.75 और 0.25। तो यहाँ पर 0.75 और 0.25 प्रोबेबिलिटी के 2 सेट्स हमें प्राप्त हुए हैं, पर 0.75 और 0.25 की जो वैल्यूज़ है वो क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच नहीं है, इसलिए X4, X5, X6 का सेट नहीं बना सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में जो सेट्स बनाए थे X1 और X2 के और X3, X4, X5, X6 के, वही पार्टीशन हमारा करेक्ट पार्टीशन रहेगा। नेक्स्ट, अब हमें पिछले स्टेप में जो हमने 2
सेट्स ऑब्टेन किए थे, उन दोनों सेट्स को 0 और 1 डिजिट्स असाइन करेंगे। तो फर्स्ट सेट जो हमारा x1 और x2 का था, उन्हें तो हम 0 और 0 असाइन करेंगे, और सेकंड सेट जो था उसे हम डिजिट 1 असाइन करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने जो पिछले स्टेप्स में इस कंप्लीट सेट को जिस प्रोसेस से दो सेट में डिवाइड किया था, उसी प्रोसेस से अब इन दोनों सेट्स को इंडिविजुअली हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम x1 और x2 का सेट देखते हैं। इस सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला सेट x1 का रहेगा और दूसरा सेट x2 का रहेगा। सिमिलरली इन्हें 0 और 1 डिजिट असाइन करेंगे, x1 को 0 डिजिट असाइन हो जाएगी और x2 को 1 डिजिट असाइन हो जाएगी। सिमिलरली हमारा x3, x4, x5, x6 वाला जो सेट था नीचे वाला, उसे भी हम सेम प्रोसेस के थ्रू दो सबसेट्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें पहला सेट x3 का प्राप्त होगा और दूसरा सेट x4, x5, x6 का प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस अपनाते हुए हम ऊपर वाले सेट को 0 डिजिट असाइन कर देंगे और नीचे वाला जो सेट है उसे हम 1 डिजिट असाइन कर देंगे। इन सेट्स को हमें तब तक डिवाइड करते चलना है, तब तक दो सेट्स में डिवाइड करते चलना है जब तक कि हर सेट में केवल एक सिंबल ना रह जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, x1 वाले सेट में केवल x1 है और इस सेकंड वाले सेट में केवल x2 है। तो अब इन दोनों सेट्स को और आगे फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले में हम देखेंगे, इसमें ऊपर वाले सेट में केवल x3 सिंबल है और नीचे वाले सेट में तीनों x4, x5, x6 सिंबल्स है। तो x3 वाले सेट को अब हमें फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम केवल x4, x5, x6 वाले सेट को ही डिवाइड करेंगे। अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए x4, x5, x6 का जो सेट है उसे दो सबसेट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि पहले सेट में x4 सिंबल आ जाएगा और दूसरे सेट में x5 और x6 सिंबल्स आ जाएंगे। ध्यान रखिए, इन सेट्स को डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि जो सेट्स हमारे सबसेट्स जो हम ऑब्टेन करेंगे, उन सबसेट्स की प्रोबेबिलिटी लगभग इक्वी प्रोबेबल होनी चाहिए। दोनों सेट्स की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होनी चाहिए, उन दोनों में डिफरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें फिर से इन दोनों सेट्स को डिजिट्स असाइन करने होंगे। तो x4 वाले सेट को हम डिजिट 0 असाइन करेंगे और x5 और x6 वाले सेट को हम डिजिट 1 असाइन करेंगे। अभी भी हमारे x5 और x6 वाले सेट में दो सिंबल्स बचे हैं, तो इस सेट को हम और भी फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें कि पहले सेट में केवल x5 रहेगा और दूसरे सेट में x6 रहेगा। x5 वाले सेट को हमने डिजिट 0 असाइन कर दिए है और x6 वाले सेट को हमने डिजिट 1 असाइन कर दिए है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई भी सेट नहीं बचा है जिसमें कि एक से ज़्यादा सिंबल्स मौजूद हों। इसलिए अब हम सभी सिंबल्स के लिए इनका फाइनल कोड नोट कर लेंगे। इन सिंबल्स के लिए जो कोड हम यहाँ पर नोट करेंगे, वो पिछले स्टेप्स में जो हमने इन्हें डिजिट्स असाइन किए थे उन्हें देखकर करना होगा। तो x1 के लिए हमने 0 और 0 असाइन किया था, तो यहाँ पर इसका कोड 00 हो जाएगा। x2 के लिए हमने कोड 0 और 1 असाइन किया था, तो इसका कोड 01 हो जाएगा। x3 के लिए डिजिट्स हमने 1 और 0 असाइन किए थे, तो इसका कोड 10 हो जाएगा। 4 के लिए डिजिट्स हमने 110 असाइन किए थे, तो इसका कोड 110 हो जाएगा। x5 के लिए डिजिट्स हमने 1110 असाइन किए थे, तो इसका कोड 1110 हो जाएगा। x6 के लिए सिमिलरली इसका कोड 1111 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी 6 सिंबल्स के लिए उनकी शैनन फेनो एनकोडिंग करके उनके कोड्स ऑब्टेन कर लिए हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे जो अभी हमने कोड ऑब्टेन किया था, उस कोड की कोड एफिशिएंसी पूछी गई है।
तो कोड एफिशिएंसी निकालने के लिए एक बार हम कोड एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे। कोड एफिशिएंसी ईटा का फॉर्मूला होता है, ईटा इक्वल्स टू एच एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, जहाँ पे कि एच एक्स हमारी एंट्रोपी कहलाती है और कैपिटल एल को हम एवरेज कोड वर्ड लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर कोड एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक बार हमें एच एक्स और एल दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो पहले हम एंट्रोपी एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने एंट्रोपी का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूला में हमें सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार हम सभी 6 सिंबल्स जो हमारे हैं X1 से लगा के X6 तक, उन सभी 6 सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद इस एंट्रोपी के फॉर्मूला को I=1 से लगा के M=6 तक के लिए एक्सपैंड करेंगे, और उस फॉर्मूला को एक्सपैंड करने के बाद में उसमें रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू पुट करने पर और उसे कैलकुलेट करने पर हमें एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो 2.36 बिट्स पर सिंबल ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट अब हम एवरेज कोड वर्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एवरेज कोड वर्ड लेंथ कैपिटल एल का फॉर्मूला होता है समेशन I=1 to M प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल XI मल्टीप्लाइड विथ कोड वर्ड लेंथ ऑफ सिंबल XI, और इसकी यूनिट्स होती है बिट्स पर सिंबल में। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सिंबल्स और दूसरा कोड वर्ड लेंथ ऑफ ऑल दी सिंबल्स। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और इन सिंबल्स की कोड वर्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक बार हम फिर से जो अभी हमने कोड वर्ड्स ऑब्टेन किए थे वो टेबल देखेंगे। जैसा कि हम इस टेबल से देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंबल X1 के कोड की लेंथ 2 है, सिंबल X2 के कोड की लेंथ 2 है, सिंबल X3 के कोड की लेंथ 2 है, सिंबल X4 के कोड की लेंथ 3 है, सिंबल X5 के कोड वर्ड की लेंथ 4 है, सिंबल X6 के कोड वर्ड की लेंथ 4 है। तो यहाँ पर हमने N1, N2, N3, N4, N5, N6 की वैल्यूज़ इस टेबल से देख के नोट कर ली है। अब इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम एवरेज कोड वर्ड लेंथ के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके उसमें पुट करेंगे। सभी वैल्यूज़ को उसमें पुट करने पर हमें फाइनली एवरेज कोड वर्ड लेंथ की वैल्यू 2.38 बिट्स पर सिंबल्स ऑब्टेन होती है। एक बार हमने एवरेज कोड वर्ड लेंथ और एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए अब हम कोड एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करने पर हमें एफिशिएंसी कोड एफिशिएंसी की वैल्यू 0.99 ऑब्टेन होती है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा 0.99।